मोनू मानेसर को हरियाणा पुलिस ने हिरासत में लिया है। उसे गुरुग्राम के सेक्टर 1 स्थित मार्केट से पुलिस ने पकड़ा है। हालांकि हरियाणा पुलिस ने अभी ना तो इसकी पुष्टि की है और ना ही इससे इनकार किया है। मोनू मानेसर को हिरासत में लिए जाने के बाद राजस्थान पुलिस को सौंपने की बात भी कही जा रही है, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। गुरुग्राम के पटौदी थाने में भी मोनू मानेसर के खिलाफ मामला दर्ज है। जिस वक्त मोनू को हिरासत में लिया गया, उस दौरान का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि बाजार में चारों तरफ सादी वर्दी में घूम रहे पुलिसकर्मियों ने उसे कैसे दबोचा। मोनू मानेसर के लिए इस तरह का चक्रव्यूह रचा गया था कि वो भागने या बचने की कोशिश ही नहीं कर सका। कान पर फोन रखे हुए एक पुलिसकर्मी उसके नजदीक से गुजरता है और अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है। चारों तरफ घूम रहे पुलिसकर्मी तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। मोनू समझ जाता है कि वो कानून के फंदे में फंस चुका है और वो चुपचाप उनके साथ चल देता है। पुलिसकर्मी बोलेरो और क्रेटा गाड़ी में आए थे। कुछ पुलिसकर्मी गाड़ी में ही थे जबकि कुछ बाजार के चारों तरफ फैले हुए थे। कोई दुकान से सामान खरीदने का नाटक कर रहा था तो कोई फोन पर बात करते हुए घूम रहा था। खुफिया सूचना के आधार पर पुलिसकर्मी पहले से ही पूरा चक्रव्यूह रच चुके थे। सूचना के मुताबिक मोनू मानेसर कुछ देर बाद बाजार में पहुंच गया। काले लिबास में दिख रहे मोनू ने ना तो चेहरा ढका था और ना ही अपना हुलिया बदला हुआ था। ऐसे में कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे कि क्या सब कुछ पहले से ही तय था। आखिर ये जानते हुए भी कि पुलिस उसे तलाश रही है, मोनू इस तरह खुलेआम बाजार में कैसे आ गया। बता दें, मोनू की गिरफ्तारी के बाद राजस्थान के भरतपुर के एसपी मृदुल कच्छावा ने बयान देते हुए कहा है कि हम भी मामले पर नजर बनाए हुए हैं। पुलिस द्वारा मोनू मानेसर जो कि नासिर जुनैद प्रकरण में वांछित और नामजद आरोपी है और उसको हरियाणा पुलिस ने ऐसी जानकारी हमें मिली है कि उसको डिटेन किया गया है। वर्तमान में हरियाणा पुलिस अपनी विधिक कार्रवाई कर रही है और हमारे अधिकारी उनसे संपर्क में है। हरियाणा पुलिस की जब विधिक कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी उसके बाद जिला डी पुलिस जो है वो अपनी विधिक कार्रवाई प्रारंभ करेगी। बता दें, भरतपुर के रहने वाले नासिर और जुनैद को उन्हीं की बोलेरो गाड़ी में जिंदा जला दिया गया था। मामले में मोनू मानेसर का भी नाम सामने आया था।